हेलो फ्रेंड्स, मानी में निरंजन। आज हम बात करेंगे सीएट लिमिटेड के बारे में। ये एक टायर कंपनी है, आपको पता ही होगा, और काफ़ी लोगों का अगर पता नहीं है तो आप जान सकते हैं। ये भी एक बड़ी कंपनी है, और इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 868 का 52 वीक लो है, और हाई 1763 का इस स्टॉक ने मारा था। और अभी ये स्टॉक जो है वो चल रहा है 1276, मीन्स मिडल में यह स्टॉक चल रहा है, और टायर कंपनी कभी बंद होगी नहीं। टायर सेक्टर और कंपनी भी बड़ी है, तो इस कंपनी के भी जो टायर है उनकी डिमांड बढ़ते रहती है। तो लॉन्गर टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो काफ़ी बेहतर जो है कंपनी है। प्लस इनके जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी अच्छे आए थे, और इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 180% का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप एलिजिबल रहेंगे डिविडेंड के लिए। रिकॉर्ड डेट तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो एक अच्छा मौका यहाँ पे है इस स्टॉक को लेने का। तो इसका अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स के भी अंदर अगर आप जाते हैं तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बड़ा है। हाफ ईयरली अगर आप देखेंगे 176 करोड़ से ग्रो हुआ है 186% से, और नेट सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो 55% ग्रो हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेल्स भी ग्रो हुआ, और अब कोविड भी धीरे धीरे कम हुआ है, तो वो हिसाब से इनके सेल्स भी बढ़ेंगे, रिवाइवल आएगा, और जैसे जैसे प्रॉफिट्स फिर जो है प्लस में आएंगे और बढ़ने लगेंगे। इस स्टॉक का भी जो है स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और हो सकता है जो 52 वीक हाई है वहाँ तक भी टच करे। तो लॉन्गर टर्म का ड्यूरेशन आपको लेना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक की बात करेंगे 35 to 36% ये स्टॉक बढ़ा है ये साल, और सेंसेक्स की बात करेंगे तो 43, मीन्स स्टॉक ने अच्छा ही रिटर्न दिया। 1700 तक गया फिर नीचे आया, तो एक अच्छा मौका अभी बनता है इस स्टॉक को यहाँ पे लेने का। और इसका जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ के भी ऊपर है। डिविडेंड एवरी ईयर कंपनी देते आई है, और इसका अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 46% की है, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 24% है, म्यूचुअल फंड के पास 9% की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी स्टॉक को ले रखा है। तो ये आप यहीं से देख सकते हैं कि किन किन कंपनी सेक्टर के अंदर पैसा लगा है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी, FIIs, इंश्योरेंस कंपनीज पूरा रिसर्च करके ही कंपनी में पैसे डालते हैं। तो ये एक आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको भी आइडिया आ सके। और इसके डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये NSE की साइड मैंने खोली है, बीच में आप देखेंगे तो सीएट लिमिटेड, और इस कंपनी ने 18 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि 180% होता है फेस वैल्यू के ऊपर। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 अगस्त 2020, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 30 तारीख तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद भले आप बेच दो तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाकर एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हैं। IPOs के लिए काफ़ी बेस्ट ऐप है, क्योंकि जब IPO ओपन होता है 10 बजे, आप उसके पहले भी ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं, बाद में एंजल ब्रोकिंग अपने आप जो है एक्सचेंज में आपका ऑर्डर 10 बजे के बाद भेजता है। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।